धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आज मानसिक रूप से जो विकलांग है या दिव्यांग है और मेंटली चैलेंज्ड है, उनकी परेशानियां आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, 18 साल की उम्र के बाद जो मेंटली चैलेंज्ड है या मानसिक रूप से दिव्यांग है, उनको जो वयस्क समझते हैं, एडल्ट समझते हैं, और कानूनन उनको हम जो अनाथालय है उसमें रख नहीं सकते, और इसकी वजह से ऐसा होता है कि वो खुद को तो बाहर जाने के बाद संभाल नहीं सकते, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज्ड है, मानसिक रूप से उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, और बाहर जाने के बाद उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण होता है, कुछ बच्चियों का बलात्कार भी होता है। तो ये सब परेशानियाँ इसलिए है कि ये गैरकानूनी होता है, 18 साल के बाद उनको हम रख नहीं सकते। सर, वो 18 साल के फिजिकली एजेड होंगे, लेकिन मेंटली वो 18 साल के नहीं रहते हैं, उनकी समझ उतनी अच्छी नहीं रहती है। और जो NGOs हैं, वो जो अनाथालय चलाते हैं बाबा पापड़कर करके अमरावती में, उन्होंने कहा कि मैं 5-6 साल से इनको संभालता हूँ, बहुत लगाव हो जाता है, लेकिन मुझे पता है 18 साल के बाद ये बाहर जाके इनका उत्पीड़न होगा, एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, इनको बहुत परेशानी होगी, फिर भी मुझे कानून के डर से उनको छोड़ना पड़ता है बाहर। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि इस कानून में बदलाव आना चाहिए, ताकि हम 18 साल के उम्र के बाद में भी उन्हें रख पाए, जब तक के वो बाहर जाके खुद का काम खुद ना कर सके, और उसी प्रकार उनको कौशल प्रशिक्षण और विशेष व्यावसायिक शिक्षा विकसित करना चाहिए, ताकि वो खुद का ऊपर निर्भर हो। ये मेरा कहना सरकार से। धन्यवाद।